हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल हाउ डॉक्टर थिंक्स। आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं हॉकिंस कैनेडी टेस्ट। हॉकिंस कैनेडी टेस्ट भी शोल्डर इम्पेजमेंट के लिए ही परफॉर्म किया जाता है। अगर शोल्डर में कहीं भी पेन प्रेजेंट है तो उसको पता लगाने के लिए हम हॉकिंस कैनेडी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेजेंट है, इनका नाम है गौरव तोमर। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले या कोई भी टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले हमें हैंड सैनिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पेशेंट के आर्म को फ्लेक्स कीजिए। फ्लेक्स करने के बाद एल्बो को 90 डिग्री फ्लेक्शन में लेके जाइए। उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड से शोल्डर जो ये है उसका पेशेंट का दूसरा शोल्डर उसके ऊपर अपने लेफ्ट हैंड को रखना है और फिर अपने राइट हैंड से इंटरनली रोटेशन करानी है शोल्डर की। अगर इंटरनली रोटेशन कराने पे पेशेंट के शोल्डर में पेन प्रेजेंट है तो ये टेस्ट पॉजिटिव है, अगर पेन अब्सेंट है तो ये टेस्ट नेगेटिव है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।